বন্ধ রয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট, রাস্তার চারিদিকে কাঁটা তার, লোহার ব্যারিকেড, পথে গোজা পেরেক, বিভিন্ন রকমের ব্যারিকেড ও ব্যারিয়ার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে চারিদিক। বোঝার উপায় নেই আমরা কাশ্মীর বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোনো সন্ত্রাস অধ্যুষিত এলাকায় রয়েছি না রয়েছি দেশের রাজধানীতে। আশেপাশে যেখানেই দেখা যাচ্ছে গিজগিজ করছে জলপাই উর্দিধারী জওয়ানরা, তাদের প্রত্যেকের হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল। এর মধ্যেই আমরা উপস্থিত হয়েছি, সংবাদ প্রতিদিন ডট ইনের দর্শকদেরকে আমরা নিয়ে এসেছি গাজীপুর সীমান্তে। আমাদের আপনার সঙ্গে যেমন দেখা যাচ্ছে চারিদিকে জমায়েত হয়ে রয়েছেন বিভিন্ন বয়সী বিভিন্ন ধরনের মানুষরা। আমরা কথা বলে নেব এদের মধ্যেই কয়েকজনের সঙ্গে। हाँ भाई साहब कहाँ से आए हो? आपका हसनपुर क्षेत्र गए हम भाई, अपना भंडारा चला रखा है, सब बैठे सहयोग कर रहे। फुल कब से हो आप यहाँ? हम परसों आए थे अपना भंडारा वंडारा लेके घर से। तो अभी मतलब ये तो चारों तरफ रास्ता बंद किया हुआ है वो तार का, अब बताओ ये तो सरकार की नियत है, हम बताओ रास्ता तोड़ के थोड़े जा रहे हैं। घर जाने का मतलब कोई इरादा नहीं है, हम अपना मतलब जो धरना है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। तो फिर ये तो शांतिपूर्ण तरीके से, आप लोग 26 जनवरी के दिन भी बताया गया था कि आप शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो तो वो जी गलत हुआ। हम जो है वो उसे ढूंढ के लाओ सरकार, जिनने हम तो यहाँ पर पड़े। और ये इनके बैरट लगा रहे जो हम इसे तोड़ के थोड़े भाग रहे कहीं पे भी, बताओ। लाल किले में जाके झंडा फैलाया वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं। ये जो बैरिकेड तार ये सब लगाए ये कब से लगाए? ये तो 26 जनवरी के बाद में ही अभी प्लान किया है इन्होंने, अभी लगाया, बाद में ही लगाया है। तो अभी आप लोगों का मतलब अगला प्लान क्या है? अगला प्लान कुछ नहीं है, बस सरकार से बात करने के जा रहे हैं, तो यहीं रहेंगे, अपना धरना चलेगा ये लगातार। कहाँ से आए हो आप? यूपी। चारों तरफ से ये आपको घेर रखा है, ये बॉर्डर करके रखा है चारों तरफ। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे स्थायी उरेलो भी कर लो, हम तो अपना शांति से बैठे शांति से धरना दे रहे। बॉर्डर सील करके रखा है, तो इसके लिए आप लोगों का राशन ये सब सामान आने में दिक्कत कुछ नहीं है ना? बस जो दिक्कत हो रही है वो तो अपना पैदल आ जा, उसमें कोई बात ऐसी नहीं। এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে চলছে সকালের জল খাবারের পালা, এইখানে লঙ্গরে খাওয়া দিচ্ছেন একেবারে ঘরের মতন পরিস্থিতিতে অতিথি রূপে বরণ করে নিয়ে। কাটে কা তার লাগা হওয়া হয়, ব্যারিকেড করকে সব বন্ধ করকে রাখা হয়, ইয়ে সব মতলব কিউ আপ লোক এসা কিয়া কর দিয়া কি প্রশাসন লাগা আমাদের শান্তিপুর ধরনা বেঁচে ও নোটবন্দি কদি কুছ জব সে আর নির্ভয় গা বেটি চোর গা और मेरी फांसी लगवा दो, मैं दे रहा हूँ बयान। आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा, और कोई भी किसान हो, कोई भी मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, तो सभी का है, पूरे देश का प्रतीक है। जिन्होंने भी वहाँ कुछ गलत किया है हम उनके हिमायती नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर झूठे दोष लगा करके हमारे भाइयों को इन्होंने बंद कर लिया। हम उनके साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे निर्दोष भाइयों को रिहा कर दे, वरना चक्का जाम करेंगे और उसके बाद भी और भी उग्रता का रूप धारण कर लेगा आंदोलन, अगर कुछ वो नहीं हुआ सरकार नहीं मानी तो। बजट में जैसा बोला गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके डेढ़ गुना एमएसपी को किया जाएगा। देखो जी मेरी बात सुनो, ये वादे तो करते हैं लेकिन अपने वादों के अनुसार मुझे नहीं लगता कि इस पर खरे उतरेंगे। ये क्या डेढ़ गुना करेंगे? इन्होंने पहले भी कहा था कि भाई 14 दिन में पेमेंट करा देंगे। हमें पता, हम किसान हैं, हम गन्ना मिलों में डालते हैं, भाई हमें एक एक वर्ष हो जाओ उस 14 दिन की जगह, कहाँ 14 दिन और कहाँ एक वर्ष, कितना बड़ा अंतर है, कोई सुनने वाला नहीं है। समय पे हमें पेमेंट नहीं मिलता, उत्पादन जितना हम करें उसमें भी मिल अपनी मर्जी से आनाकानी करने लगे, तो हम तो हर तरह से परेशान है भाई बाबू जी, हम क्या करेंगे, हम तो मजबूर हैं, हम तो मजबूरी में बैठे हैं भाई। ये तो हर तरीके से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए हमारी आवाज़ कहीं बाहर ना जा, इसलिए हम शांति के साथ चक्का दाम जाम करने के लिए मजबूर हैं। इन्हना स्पष्ट करछेन जे हम तो मजबूर है, हमरा जा करछि एकांत माने बाध्य हुए দিনের পর দিন আমাদের বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেয়েছি আমরা সরকারের কাছে, কিন্তু যেহেতু তারা কোনো তাতে কর্ণপাত করেননি, তাই জন্য আমরা কিছুটা বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনে
আমাদের নামতে হয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের কার্যালয়। এই এই ধরনেরই এক জায়গা থেকে 26শে জানুয়ারির পর কেঁদে ফেলেছিলেন রাকেশ টিকাইত। তার দেশবাসীদের কাছে, তার কৃষক ভাইদের কাছে আবেদন করেছিলেন যে এই আন্দোলন যাতে কিছুতেই শেষ না হয়। আমরা কথা বলে নেবো বিকেইউর কিছু সদস্যের সঙ্গে। ভাই সাহেব, ইয়ে যে 6 তারিখ কো আপ লোগা চাক্কা জাম হ্যাঁ ভাইয়া ইন ইসকা ইসকে উপর ক্যা প্ল্যানিং হ্যায় আপ লোগা? প্ল্যানিং ভাইয়া ইয়েই হ্যায় কে জো আপনা 11 বজে সে 3 বজে তক সব রোড বন্ধ জো। 6 ফরবরি কো জো হামারা চাক্কা জাম পুরে ভারত মে হ্যায়, जो किसान यहाँ नहीं आ पा रहे, जो बहुत दूर दराज से हैं, ये आदेश जो दिया गया उनके लिए है कि वो अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं चक्का जाम करके भारत सरकार को संदेश दें कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें पूरे भारत का किसान जो है अपनी सहभागिता निभा रहा, और पूरे भारतवर्ष का किसान जो कानून बने इनका विरोध कर रहा, और पूरे भारत का किसान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको MSP बोलते हैं उसकी कानूनी गारंटी मांग कर रहा। C+50 है, उसका मतलब है जो लागत है जिसमें हमने गोभी बोई, कोई भी सब्जी बो रहे हैं तो उसकी लागत का हमको 1.5 गुना मिलना चाहिए जो सरकार निर्धारित नहीं करती। पे कमीशन क्या है, हमारी जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी हर 10 साल बाद में 3 गुना सैलरी कर देता और उनको बहुत सारे भत्ते, तो सरकार उनको तो बहुत योजना देती है, लेकिन किसानों के लिए कोई ऐसा आयोग नहीं बना। जबकि जो किसान हैं इनके लिए जो किसान आयोग बनना चाहिए था बहुत पहले। उन्होंने ये खास बोला है कि जो लागत है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है MSP को उससे 1.5 गुना किया जाए। नहीं, वो बिकता नहीं है ना हमारा, जैसे आज जो MSP है मतलब धान का 1850 को जैसा है, बिकता 1100 रुपये में। जैसे गन्ना है, गन्ना जो शुगर मिल में जाता है वो तो 325 जाता है। हम ये मांग करते हैं कोई भी खरीदो गन्ने को, चाहे शुगर मिल खरीदो, चाहे कोल्लू खरीदो, चाहे सल्फर खरीदो, वो 325 से निश्चय नहीं बिकना चाहिए। अनेक मध्य एक कन्फ्यूशन तैरि हो जे যে 1.5 গুণ MSP-র কথা নিয়ে বারবার বলছিলেন কৃষকরা, সেটা বাজেটে পেশ করার পরেও কেন এদের মধ্যে এখনও এরা আন্দোলন তুলতে রাজি হচ্ছেন না, তো সেই কনফিউশনটাও দূর করলেন বিকেইউ নেতারা।